हरिद्वार स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम हमने शुरू किया है। हम तो चाहेंगे कि अधीक साहब, वासी साहब, आप लोग भी यहाँ पर जो है वो स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम हमारी मिनिस्ट्री के जो चल रहे हैं उनको आप कराइए, जिसमें कि हम 80% रोजगार की गारंटी देते हैं, 80% 75 to 80%। कि हम स्किल डेवलपमेंट भी स्किल भी होना चाहिए, स्किल डेवलपमेंट भी होना चाहिए और रोजगार भी मिलने चाहिए। जब नया नया जीएसटी आया था, तो जब नया जीएसटी आया तो लोगों की बहुत उस वक्त बात हुई कि साहब जीएसटी जो है वो कैसे भरी जाएगी, उसके उसको जो है ऑनलाइन कैसे भरना है, कैसे उसके फॉर्म भरने हैं, उसकी क्या वैलिडिटी है, बड़ी प्रॉब्लम थी। तो हमने हरिद्वार स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो शुरू किया, तो हैदराबाद में हमने जीएसटी फैसिलिटेटर एक कोर्स रख दिया 3 महीने का 2 महीने का, और वो हैदराबाद की सरकार ने हमको जगह दी, एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन ने जगह दी। हमने कहा ठीक है, पैसे हम देंगे, आप जीएसटी फैसिलिटेटर के कोर्स शुरू करें। मैं भी एक 2 महीने पहले वहां गया और वो जो हम इसके डेवलपमेंट का इंस्टीट्यूट चला रहे हैं वहां पर मैं विजिट करने गया, तो उन्होंने बताया कि साहब 2 महीने में यहाँ पर जो है वो लगभग 3.5 से 4 हजार बच्चों और बच्चिये ये कोर्स हमारा कर चुके हैं, और कोई भी बच्चा और कोई भी बच्ची अपने से नौकरी ढूंढना नहीं पड़ रहा है। लोग नौकरी देने वाले यहाँ पर हमारे इंस्टीट्यूट में आ रहे हैं और कह रहे हैं भैया आप हमारे यहाँ से, आप अपने इंस्टीट्यूट से 100 बच्चे, कोई कह रहा है 200 बच्चे हमारे फैक्ट्री में भेज दीजिए, हमारी कंपनी में भेज दीजिए, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में भेज दीजिए। और इनकरेज करने के लिए मान लीजिए हमने 5 लाख 10 लाख रुपया दे दिया, वो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। हम इनकरेज करने के लिए जो लोग एजुकेशन की फील्ड में काम कर रहे हैं वो और कितना अच्छी तरह से कर सकें, जैसे आपने इनकरेज किया है, उसको हमारी कोशिश होगी कि हम टीम बना करके इसको करें, और हमारी कोशिश होगी कि इसी साल यानी 2018 में पहला अवार्ड एपीजे अब्दुल कलाम साहब के जन्मदिन पर हो। आपके इंस्टीट्यूट में आपके जो संस्थान है उसमें जो है वो मेरा मानना है कि हमारी जो मिनिस्ट्री से रिलेटेड तमाम स्कीमें हैं उसका आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाना चाहिए, और आप हमको लिख करके दीजिए, आपको हम यकीन दिलाते हैं कि आप जो चाहेंगे। देखिए आपसे तो बगैर मांगे हमारे शेखावत साहब ने जो 11 लाख रुपया का ऐलान कर दिया है, तो अब आपने तो हमसे कह दिया है, तो इसलिए आप दीजिए और इंशाल्लाह आपको हम यकीन दिलाते हैं कि जो भी आपकी जरूरत होगी हमारी कोशिश होगी कि ज्यादा से ज्यादा उसको पूरा कर सके। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया माननीय मंत्री साहब का। मैं अब दरख्वास्त करूंगा अतीक साहब से कि उनका वोट ऑफ थैंक्स